Everybody in the house, put your hands up, roll it around your face and pull up. Chacha ho ya beta ho, tu mask laga. Tera baap koi neta ho, tu mask laga. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोको के एक न्यू स्मार्टफोन के बारे में। थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि गाइस आपको मैंने बताया, आज पोको के स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे। तो रिसेंटली मैंने एक पोको का X3 Pro के बारे में भी एक वीडियो बनाया था, जो कि आज के टाइम में एक फ्लैगशिप किलर है, क्योंकि 800 सीरीज़ का प्रोसेसर है उसके अंदर, प्लस 20,000 के अंदर मिल रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ये दिया है, ज़रूर देखना। और कमेंट सेक्शन में बताना कुछ क्वेश्चंस क्वेरी हो और कैसा लगा वो वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोको M3 के बारे में, M3 Pro 5G स्पेसिफिकली ने बताया हुआ है, जो रिसेंटली लॉन्च होने वाला है। कौन से डेट को लॉन्च होने वाला है वो भी बताता हूं आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं लॉन्चिंग डेट, आप देख सकते हो लॉन्चिंग डेट जो है वो 8 जून है 11:30 AM को ये जो है वो लॉन्च होने वाला है। इसका नाम जो है वो पोको M3 Pro 5G है। लॉन्च डेट भी बता दिया, टाइम भी बता दिया आपको मैं कम्युनिटी पोस्ट में और सारे सोशल मीडिया मेरे हैंडल से, वहां पे मेरे को फॉलो कर देना। जिस दिन ये लॉन्च होगा और फर्स्ट सेल इसका रहेगा, उसका लिंक मैं वहां पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो फटाफट से फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट 5G लिखा हुआ है, मतलब ये 5G स्मार्ट फोन होने वाला है। हालांकि इसमें कौन से बैंड्स 5G के होने वाले हैं उसके बारे में कुछ डिटेल्स पता नहीं, जब लॉन्च हो जाएगा तब उसके बारे में डिटेल्स जो है वो सामने आ जाएंगे। ड्यूअल सिम भी लिखा हुआ है, नेक्स्ट आप देख सकते हो, देखो सुपर फास्ट एंड नो मोर वेटिंग 5G ड्यूअल सिम होने वाला है। फिर नेक्स्ट फीचर जो हमारे सामने आया है वो है 3D कर्व बैक एंड ग्लॉसी फिनिश इसके अंदर होने वाला है। और इमेज को आप अगर देख सकते हो तो इन लोग ने लिखा हुआ है स्विचेबल ब्लेड डिजाइन, इसका ये डिजाइन का नाम दिया हुआ है इन लोग ने। और इमेज में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दो फ्लैश दिखाई दे रहे हैं और ट्रिपल कैमरा दिखाई दे रहा है। तो मतलब इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा मिलेगा विद फ्लैश। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देखने में लग रहा है और थंबनेल में अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, मेरे को पर्सनली बहुत सही लगा। नेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले पे बारे में बात किया हुआ है। डिस्प्ले इसका जो रहेगा वो डॉट डिस्प्ले रहेगा, जैसे सैमसंग पंच होल डिस्प्ले बोलता है वैसे डॉट डिस्प्ले इसका होने वाला है। और फुल HD प्लस होने वाला है, मतलब 720p हो सकता है इसका रेजोल्यूशन। अभी कन्फर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। और रिफ्रेश रेट जो है वो 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट इन लोग ने बताया हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे आपको मैंने बताया कि ट्रिपल कैमरा होने वाला है, तो बाकी दो कैमरा जो है उसके बारे में बताया नहीं है 5 मेगापिक्सल का है या 2 मेगापिक्सल का है, पर जो मेन कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का। और 48 AI कैमरा होने वाला है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाला कैमरा होने वाला है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है। ऑल्सो इसका बैटरी इतना होने वाला है कि आपको 2 दिन ये चलने वाला है, हालांकि ये ऑन पेपर है। रियल लाइफ में 1 दिन ही पूरा दिन अगर चल जाए तो काफ़ी अच्छा चीज़ होगा, पर अगर लीक्स की माने तो 5000 के आसपास इसका जो है बैटरी हो सकता है, वो कन्फर्म नहीं है वेबसाइट पर या फिर ये फ्लिपकार्ट पे उन लोग ने वो बताया नहीं है। ऑल्सो 8th को ये लॉन्च होने वाला है। तो आज जिस डेट को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है 6th जून। तो 6th जून को जो है वो इतने सारे फीचर्स ही उन लोग ने रिवील किया, पर उन लोग ने बताया हुआ है कि कम बैक टुमारो टू नो मोर, मतलब हर दिन जैसे लॉन्च डेट पास में आता है तो हर दिन एक एक फीचर जो है लोग बताते जाते हैं। तो कल भी क्या फीचर आता है वो भी इसके बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आपको भी अगर जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। तो जैसे ये लॉन्च हो जाएगा आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। ऑल्सो मैं सारे सोशल मीडिया हैंडल्स और कम्युनिटी पोस्ट में भी इसका फर्स्ट सेल का लिंक डाल दूंगा, तो ज़रूर चेकआउट करते रहना ताकि आप ये फ़ोन बाय कर पाओगे अगर आप ये फ़ोन में इंटरेस्ट रखते हो तो। 18W फास्ट चार्जर के साथ आ रहा है, वो बताना मैं भूल गया, तो काफ़ी अच्छा चीज़ है। और प्राइस अगर रूमर्स की बात करें तो लोगों का कहना है कि 15-16,000 के आसपास इसका जो बेस वेरियंट है वो मिल सकता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि पोको X3 Pro जो है वो आपको जो बेस मॉडल है वो अराउंड 18,999 का मिलता है, 19,000 का मिलता है, पर डिस्काउंट विस्काउंट लगा के और 1000 या फिर एक्सचेंज लगाओगे तो भी और 2-3 हज़ार आपके कम हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे तो ये कम प्राइस में ही रहेगा। और लोगों का ये भी कहना है कि इसके अंदर जो प्रोसेसर होने वाला है वो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700U हो सकता है। देखते हैं जब लॉन्च होगा तो इसके बारे में भी फुल डिटेल्स लेके आ जाऊंगा। सब जगह फॉलो करके रख देना, वहाँ पे लिंक्स दे दूंगा और डिटेल्स भी लेके आऊंगा। तो हो
होप करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन में बताना क्या चीज़ आपको पसंद आया नहीं आया, और कुछ क्वेश्चंस है क्वेरीज हो तो वो भी पूछ लेना, उसके बारे में आंसर देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। ऑल्सो ऐसे टाइप के कंटेंट में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन रहेगा उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी ऐसे टाइप के वीडियोज आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपको अगले और एक्साइटिंग वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।